गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त श्रुति गुप्ता। दोस्तों अगर आपके बाल भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आज ना मैं एक बहुत ही कमाल का हेयर पैक शेयर करने वाली हूं। इसको यूज करोगे ना तो आपके बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे एंड इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। दोस्तों चलो फिर ये हेयर पैक बनाते हैं एंड इसे अप्लाई कैसे करते हैं ये भी देखते हैं और साथ ही इसके बेनिफिट्स के बारे में भी जानते हैं। तो इस हेयर पैक को बनाने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ चाहिए, एक मुल्तानी मिट्टी और दूसरा दही। तो लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच आपको ले लेना है। एक्चुअली बट आप अपने बालों के अकॉर्डिंग मुल्तानी मिट्टी ले, हो सकता है आपके बाल छोटे हों बड़े हों, तो जैसे आपको आपके बालों की लेंथ हो आपको मुल्तानी मिट्टी लेनी है और दही की भी मात्रा आपको वैसे ही रखनी है। मैंने यहाँ पे आधी कटोरी दही ली है और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और एक बहुत थिक नहीं और बहुत थिन नहीं यानी मीडियम हेयर पैक तैयार करूँगी और इससे 20 मिनट के लिए मैं ढक के रख दूँगी। 20 मिनट या आधे घंटे आप इसे ढक के रख दें ताकि मुल्तानी मिट्टी फूल जाए। अगर आपके पास वो ढेले वाली मुल्तानी मिट्टी है तो आप उसे रात भर भिगो दीजिए, फिर दूसरे दिन यूज करिए। ये पाउडर था इसलिए मैं इसे 20 मिनट के लिए केवल भिगोंगी। 20 मिनट बाद हमारा हेयर पैक तैयार हो गया है। अब इसे अपने बालों पे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले अपने बालों को सुलझा लीजिए, उलझे बालों में अप्लाई मत करिए। अगर आपने शैम्पू किया है तो बहुत ही अच्छा है, मतलब एक दिन पहले अगर आपने शैम्पू किया है तो आप ये हेयर पैक अप्लाई कर सकते हैं। बाल क्लीन करने के बाद ये हेयर पैक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मैं अप्लाई कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको अप्लाई करना है। पहले रूट पर अप्लाई करना है, फिर आपको लेंथ पर अप्लाई करना है। लटे निकालते हुए आपको ये हेयर पैक अपने बालों पर अप्लाई करना है, आधे घंटे के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद आप सादे पानी से अपने बालों को धुल लीजिए। दोस्तों अगर आपको लगता है बाल साफ नहीं हुए, हल्की सी दही की स्मेल आ रही है या मुल्तानी मिट्टी अच्छे से नहीं निकल पाई तो आप कोई भी माइल्ड शैम्पू कर सकते हो, केमिकल फ्री शैम्पू का इस्तेमाल करिए। वैसे आपको बता दें मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल बहुत पुराने समय से बालों को धुलने के लिए किया जाता है। अभी आप कहोगे कि मैंने बोला कि शैम्पू करने के बाद इसे अप्लाई करो, एक्चुअली मैंने ऐसे इसलिए बोला है क्योंकि मुल्तानी मिट्टी और दही में मतलब पोषण जो होता है भरपूर मात्रा में होता है जो हमारी जड़ों को मिलेगा। अगर आपके बाल गंदे हैं और उस पर आप कोई हेयर पैक लगा रहे हो, हेयर पैक का काम ही होता है बालों को नरिश करना, तो वो नरिशमेंट वो पोषण हमारे बालों को नहीं मिल पाएगा, वो गंदगी उसे रोक लेगी। मतलब मुल्तानी मिट्टी हमारे स्कैल्प और बालों को क्लीन तो करेगी पर जो पोषण है, जो सही पोषण है, वो हमारी जड़ों में हमारे बालों को नहीं मिल पाएगा। तो हेयर वॉश करने के बाद उसे अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा और शैम्पू करने के बाद पूरी गंदगी निकल भी नहीं पाती तो ये अच्छे से हमारे स्कैल्प और हेयर को क्लीन कर देगा। जब हम मुल्तानी मिट्टी और दही को साथ मिलाकर रूखे बालों पर अप्लाई करते हैं तो ये ना गजब का काम करता है। इसके नतीजे देखकर आप वाकई में हैरान हो जाएंगे। मुल्तानी मिट्टी का यूज हेयर को शाइनी एंड सॉफ्ट बनाने के लिए किया जाता है। ये स्कैल्प को बैक्टीरिया एंड फंगल से बचाता है। ये नेचुरल मॉइस्चराइजर है, वह ऑयल को लॉक करता है एंड रूट को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। इसमें दही का इस्तेमाल किया गया है। दही में उच्च प्रोटीन पाया जाता है जो बालों को मजबूती देता है। दही में मौजूद लैक्टिक एसिड बालों के लिए फायदेमंद है, स्कैल्प को साफ करता है, डेड स्किन सेल्स को दूर करता है और बालों की ग्रोथ में हेल्प करता है। दोस्तों मैंने इसे अप्लाई कर लिया है, 30 मिनट बाद मैं इसे क्लीन करूंगी और उसके बाद अपने बालों को दिखाऊंगी। तो ये देख लीजिए मैंने हेयर वॉश कर लिया है एंड हेयर वॉश के बाद आप पहले देख सकते हैं मेरे बाल कितने ज़्यादा रफ लग रहे थे। एंड आपको बता दें अभी मेरे बाल थोड़े थोड़े सूखे, अभी थोड़े हल्के हल्के गीले हैं, उतने सूखे नहीं है, बट आपको बता दें मेरे बाल पहले से बहुत स्मूथ लग रहे हैं मुझे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये हेयर पैक ना एक तो मेरे बाल को सॉफ्ट भी करता है एंड आपको बता दें मेरे बालों को पोषण भी देता है। दही और मुल्तानी मिट्टी का ये जो हेयर पैक है, सॉरी शायद मैंने फेस पैक बोला था, वो तो होता रहता है। तो ये जो हेयर पैक है ना, ये मुल्तानी मिट्टी और दही जो है
हमारे बालों के लिए फायदेमंद है। इसमें कुछ ऐसे औषधीय तत्व होते हैं जो बालों में ना जान डाल देते हैं। आपको पता है ना, मुल्तानी मिट्टी और दही दोनों ही हमारे बालों के लिए वरदान है। तो आप ज़रूर इस हेयर पैक को ट्राई करिए एंड अ वीक में वन टाइम तो आपको कोई ना कोई हेयर पैक अपने बालों पर ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हेयर प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं जिसमें केमिकल होता है। तो बिना केमिकल का भी कोई हेयर पैक अपने बालों पर अप्लाई करिए, जिससे बालों को जो सही पोषण है वो मिल पाए। तो आई होप ये जो आज का मेरा वीडियो है आप लोग के लिए यूजफुल होगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में लगी घंटी बजा दो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद जय भारत।